Hello students, I am Jayashree Miss. Now today I am going to start the factorization 13e exercise. So let us move on to first question. First of all, in each case find whether the trinomial is a perfect square or not. अभी तुमको इसमें क्या बताने का है कि square है कि नहीं है, बराबर? तो अभी first सम हम देखते हैं. इसका है x square plus 14x प्लस 49, बराबर. तो हम लोगों को कोई भी स्क्वायर के लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो ये जो फॉर्मूला इसको फुलफिल होगा देन ओनली इट विल बी द परफेक्ट स्क्वायर. तो अभी अपने एक स्क्वायर है, अभी ये 49 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर, बराबर. तो अभी इसका क्या आना चाहिए, 2 इंटू ये 2 इंटू ये x इंटू ये 7, राइट. तो 2 7 का कितना आएगा, 14. तो ये का x प्लस 7 का स्क्वायर है, तो 2 7 का 14 एंड 7 7 का ये, तो दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर. नहीं, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर, इसका सेकेंड पार्ट, सेकेंड सम है ए स्क्वायर माइनस 10 ए प्लस 25, बराबर. अभी ये ए का स्क्वायर है, इधर 25 कितना, 5 का स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू 5 इंटू ए, राइट. तो 5 टू का क्या है, 10. तो यस, इट इज अ ए माइनस 5 का स्क्वायर. कितना है, इधर माइनस का साइन रहेगा ना, तो इधर माइनस आएगा. अगर इधर प्लस रहेगा तो इधर प्लस आएगा, तो इट इज यस, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. यस, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. अभी थर्ड सम, थर्ड में है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, राइट. तो 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है. तो प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1, राइट. तो 2 टू 4x, तो ये आएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो यस, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो ये देखो, 2 टू 4x एंड 1 का स्क्वायर एंड 2x, तो ये पूरा फुलफिल कर रहा है ए स्क्वायर प्लस, और ये फॉर्मूला तुमको याद रख देगा, 2ab प्लस b स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab, ए और बी, ए और बी, ए और बी, 2ab एंड 1 बी का स्क्वायर. नाउ फोर्थ सम, 9b स्क्वायर प्लस 12b प्लस 16. अभी 9b किसका, 3b का स्क्वायर है और 16 कितना है, 4 का स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू 3b इंटू 4 प्लस 1, राइट. तो अभी इसका आंसर क्या आएगा, 3 इंटू 3 टू 6 एंड 6 फोर 24, पर इधर तो 12 है. तो यस, इट इज नॉट द, तो इट इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज ये जो हम लोग कर रहे हैं 2ab, 2ab का 2 थ्री 6 6 4 24 आना चाहिए, लेकिन 24 होना चाहिए, लेकिन इसमें कितना 12b है, तो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर. फोर डन. नाउ फिफ्थ सम, 16x स्क्वायर माइनस 16xy प्लस y स्क्वायर. 16 इंटू 4x का स्क्वायर है और ये y का स्क्वायर है, राइट. माइनस 2 इंटू 4x इंटू y. तो अभी इसमें देखिए, हमने 2 लिया, इसका 4x है, इसका y, 2ab लिया, लेकिन 4 टू जाए 8 है, 8 आना चाहिए, बट इसमें कितना है, 16xy, तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ये फिफ्थ सम हो गया. नाउ सिक्स, एक्स स्क्वायर
माइनस फोर एक्स प्लस सिक्सटीन। अभी ये एक्स का स्क्वायर है, इधर ये फोर का स्क्वायर, सिक्सटीन किसका स्क्वायर है, फोर। और टू ए बी बनाएगा, टू इंटू ए कितना है एक्स, बी कितना है फोर, फोर टू का क्या आना चाहिए एट, नॉट, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नाउ ये क्वेश्चन नंबर वन का सब हो गया। नेक्स्ट अभी ये फॉर्मूला याद रखेगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला है ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर इधर माइनस आएगा, माइनस प्लस बी स्क्वायर, इधर दोनों में प्लस ही आएगा, लेकिन अगर इधर माइनस रहेगा तो माइनस का इधर ही आएगा, नॉट इन हियर। नाउ फर्स्ट फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेस कंप्लीटली इट्स टू माइनस एक्स सिक्स एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, टू माइनस एट एक्स स्क्वायर। अभी इसमें टू कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर, राइट। तो अभी वन है तो इसका आएगा वन, ये वन का स्क्वायर है और फोर एक्स किसका स्क्वायर है, टू एक्स का स्क्वायर है। तो हम लोगों ने वो स्प्लिट वेदर किया था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो अभी टू है तो वन प्लस टू एक्स एंड वन माइनस टू एक्स, तो वन प्लस टू एक्स एंड वन माइनस, ये आंसर, राइट। ये स्प्लिट मेथड हम लोग करेंगे फैक्टराइजेशन। तो सेकेंड सम डन, नाउ थर्ड वन, एट एक्स स्क्वायर वाई माइनस एटीन वाई क्यूब। अभी इसमें कॉमन कितना है, देखो एट है ये टू के टेबल में आता है, ये भी टू नाइन है, टू फोर है, तो टू आएगा और एक्स तो इसमें नहीं, इसमें है तो वाई कॉमन, तो इसका आएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन वाई स्क्वायर, बराबर। इसमें तीन वाई है तो एक वाई निकल जाएगा, तो इधर दो रहेंगे वाई स्क्वायर, और इसमें वाई निकल जाएगा और इसमें टू फोर जाए फोर, टू फोर जाए फोर आएगा इधर। अभी ये जो टू वाई है, फोर एक्स है वो टू एक्स का स्क्वायर है और नाइन वाई किसका स्क्वायर, थ्री वाई का स्क्वायर है। तो ये स्प्लिट मेथड है ये वाला, तो टू वाई इसमें टू एक्स प्लस थ्री वाई एंड टू एक्स माइनस थ्री वाई, दिस इज द आंसर, थर्ड सम। नाउ फोर्थ सम, फोर्थ सम, फैक्टराइज एक्स ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर, इज वेरी इजी। इसमें ए कॉमन निकालो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या आएगा, स्प्लिटिंग मेथड, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, डन। थ्री स्टेप खाली, फोर्थ सम डन। नाउ फिफ्थ सम, ट्वेंटी फाइव एक्स क्यूब माइनस एक्स। अभी इसमें दोनों में एक्स कॉमन है तो ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर आएगा, इसमें तीन एक्स है तो इसमें एक एक्स निकल जाएगा, इधर क्या आएगा स्क्वायर माइनस वन, इधर एक्स निकल जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो वन निकलेगा। तो अभी एक्स, अभी जो ट्वेंटी फाइव किसका स्क्वायर है, फाइव एक्स का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है, वन का स्क्वायर है, तो इसका आएगा फाइव एक्स प्लस वन, इसका आएगा फाइव एक्स माइनस वन, तो दिस इज द आंसर। नाउ सिक्स सम, ए रेस टू फोर माइनस बी रेस टू फोर। अभी ए रेस टू फोर किसका स्क्वायर है, ए स्क्वायर का है और बी रेस टू फोर किसका, बी स्क्वायर का स्क्वायर है, तो आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगेन ये वापस स्प्लिट होगा, किसका आएगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, इसका क्या आएगा, फैक्टराइजेशन फिर से होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये होगा सिक्स सम। नाउ सेवेंथ सम, सिक्सटीन एक्स रेस टू फोर माइनस एटी वन वाई रेस टू फोर। सिक्सटीन किसका स्क्वायर है, फोर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है और नाइन एटी वन वाई नाइन वाई स्क्वायर का स्क्वायर, नाइन नाइन से एटी वन, तो इसका आंसर आएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर एंड फोर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन वाई स्क्वायर। तो अब वापस इसका स्प्लिटिंग होगा, इसका और इसका वापस फैक्टराइजेशन होगा,
ये सेम ही रहेगा, खाली इसमें क्या आएगा, ये 2x का स्क्वायर है, 4x किसका स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर है, और 9y किसका, 3y का स्क्वायर है। तो ये का 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ब्रैकेट में ये 2x प्लस 3y एंड 2x माइनस 3y। तो जितना हम लोग फैक्टराइजेशन होगा तब इतना हम लोग फॉलो करेंगे। जैसे पहले देखिए 16 है, ये 4 का स्क्वायर है, एक्स रेस टू 4 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, और 91 9 का स्क्वायर है, और ये वाई स्क्वायर का स्क्वायर है। तो हमने इसको फैक्टराइजेशन किया, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अभी इसको ऐसे ही रहने देगा, इसका फर्दर फैक्टराइजेशन होगा, ये 2x का स्क्वायर है, ये 3y का स्क्वायर है, जो 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y। 7 सम डन, नाउ 8 सम। अगर इसका वापस फैक्टराइजेशन होगा, ये ऐसे रहने देगा एक्स, इसमें आएगा फाइव का स्क्वायर, 25 किसका, फाइव का स्क्वायर है, और ये x का स्क्वायर है। इसका आएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 5 प्लस एक्स एंड 5 माइनस एक्स, ये 8 का, 8 सम का। नाउ 9 सम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3y। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे, इसके अलग से फैक्टर्स निकालेंगे। अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर का क्या आएगा, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, इसका फैक्टराइजेशन ये होगा। अभी इसमें फैक्टराइजेशन 3 कॉमन निकालेंगे, और ब्रैकेट में x और ये माइनस है, इसका माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। अभी ये दोनों में x प्लस वाई कॉमन है, ये वाला कॉमन है और ये वाला कॉमन है, इसको हम बाहर निकालेंगे। तो बचा क्या, x माइनस वाई माइनस 3, x माइनस वाई माइनस 3 बचा, तो ये हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। नेक्स्ट सम 10 सम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y। अभी इसमें भी सेम मेथड है, x प्लस 2y, x प्लस y एंड x माइनस y, और इसमें 2 कॉमन निकालेंगे, तो ब्रैकेट में प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 कॉमन निकालेंगे। अभी ये जो x प्लस y, x माइनस y, सॉरी x माइनस y दोनों में कॉमन है, तो इसको बाहर निकालो, अब बचा क्या, x प्लस y और इधर माइनस 2, सेम सम 10 सम। नाउ 11 सम, 3x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 72। हाँ, अभी ये जो तीनों है ना वो 3 के टेबल में आते हैं, तो इसको 3 को निकाल लेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 5 थ्री जा 15 एंड 24 थ्री जा 72। अभी हमने ये लास्ट एक्सरसाइज में कैसे उल्ट फैक्टर कर रहे थे, इसमें माइनस का साइन थी, इधर सब्ट्रैक्शन होगा, तो 8 इंटू 3 24 और 8 माइनस 5, 8 माइनस 3 24, तो 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24, तो इसमें आएगा x कॉमन ब्रैकेट में x प्लस 8, इसमें 3 कॉमन ब्रैकेट में x प्लस 8, तो 3 इसमें आएगा एक्स प्लस 8 है कॉमन निकलेगा और एक्स माइनस 3, ये आंसर है, 3x प्लस 8 3x माइनस 3 11। पहले 3 को कॉमन निकाल लेगा, इसका फैक्टराइजेशन कर लेगा, जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था वैसे ही। 11 नाउ 12, 2a स्क्वायर माइनस 8 है माइनस 64। अब इसमें 2 कॉमन है
तो ए स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस 64 का जाएगा 32। अभी इधर क्या है नेगेटिव साइड, तो इधर माइनस सब्ट्रैक्शन होगा, तो इसमें ऐसा करने का कि ऐसा करना चाहिए कि जिसमें इसका सब्ट्रैक्शन ही है, तो 8 फोर 32 और माइनस 8 प्लस 4 32, 8 माइनस 4 तो 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस 8 ए प्लस 4 ए माइनस 3 ए 32। अभी इसमें a कॉमन a माइनस 8, इसमें 4 कॉमन a माइनस 8, तो 2 ब्रैकेट में a माइनस 8 और इसका आएगा a प्लस 4, दिस इज आंसर a प्लस 4, 12 सम। नाउ 13 सम, फाइव बी स्क्वायर प्लस 45b प्लस 90। फाइव कॉमन निकालेंगे तो बी स्क्वायर प्लस 9b प्लस 18, 18 फाइव 90, राइट। अभी इसमें से तीनों में फाइव कॉमन निकाल लिया, अभी इसको हमने प्रीवियस जैसे एक्सरसाइज में किया था वैसे फैक्टर निकालेंगे। अभी तो प्लस का साइन है, इधर क्या होगा एडिशन, तो इसका आएगा एडिशन होगा 6 3 18 और इधर आएगा 6 प्लस 3 9, राइट। तो इसका 5 ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस 6b प्लस 3b प्लस 18, तो इसका 5 बी कॉमन बी प्लस 6 कॉमन, इसमें दोनों में बी कॉमन है, बी प्लस 6 इसमें 3 कॉमन है, तो बी प्लस 6 3 18, इसका आंसर आएगा ये बी प्लस 6 कॉमन और बचा गया बी प्लस 3, 13 सम। नाउ 14, थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस 11xy प्लस 6y। नाउ हियर फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो तीनों में कॉमन क्या है, y, तीनों में y कॉमन है, तो y को निकालेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। अभी हम लोग इसका अलग से फैक्टराइजेशन करेंगे, अभी इसमें कि 3 इधर नंबर है, कभी भी इधर नंबर रहेगा ना तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने का, बाद में इसका फैक्टर निकालेगा, डायरेक्टली 6 का फैक्टर नहीं निकालेगा। तो 6 3 18 18 है ना, तो अभी 18 का इसका एडिशन कितना आना चाहिए, ये 11 आना चाहिए, तो 9 2 18 यानी 9 प्लस 2 11, राइट। तो अभी इसका वाई ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6, तो इसका आएगा वाई ब्रैकेट में 3x कॉमन तो x प्लस 3, 2 कॉमन x प्लस 3, तो इसका आएगा ब्रैकेट में x प्लस 3 कॉमन और बीजा बचेगा 3x प्लस 2, ये आंसर 14। नाउ 15 सम, भी सेम ऐसा ही है, 5ap² प्लस 11ap प्लस 2a। अभी तीनों में a कॉमन है, a को निकालो, 5p² प्लस 11p प्लस 2, बराबर। अभी 5 2 10, तो 10 का हमने फैक्टर निकालेंगे जिसका एडिशन कितना आना चाहिए 11, 10 1 10 और 10 प्लस 1 11, बराबर। तो a ब्रैकेट में 5p² प्लस 10p प्लस p प्लस 2, तो a ब्रैकेट में 5p कॉमन तो p प्लस 2, इसमें 1 कॉमन p प्लस, कुछ भी नहीं लेगा तो 1 लिखना है, राइट। तो अभी ये दो p प्लस 2, तो a ब्रैकेट में p प्लस 2 एंड 5p प्लस 1, 15 सम डन। नाउ 16, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अभी इसमें ना अलग तरीके से फैक्टराइजेशन होगा, अभी ये जो है ये जो है
ये किसका स्क्वायर है? ए प्लस बी का स्क्वायर। कितना है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे हमने फॉर्मूला में बताया था ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये किसका स्क्वायर है? सी का स्क्वायर है। तो अभी हमने स्प्लिट मेथड है ना, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा तो क्या आएगा? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो अभी ये ए स्क्वायर है और माइनस बी स्क्वायर, इसका आंसर आएगा इसका फर्स्ट ए प्लस बी माइनस प्लस सी अरे ए प्लस बी माइनस सी। डन, इट्स वेरी इजी। खाली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्प्लिट होगा तो ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी प्लस सी एंड ए प्लस बी माइनस सी। सेवेंटीन सम, सेवेंटीन सम, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स वाई प्लस नाइन वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री वाई। अभी ये जो है ना इतना, ये किसका स्क्वायर है? ये देखो एक्स और नाइन वाई किसका? थ्री वाई का स्क्वायर है। और थ्री टू जा सिक्स, इसका ये एक्स प्लस थ्री वाई होल स्क्वायर, इसका पूरा स्क्वायर है एंड ये एक्स प्लस थ्री वाई। बराबर, अभी ये दोनों में एक्स प्लस थ्री वाई दोनों में कॉमन है तो इसको हमने निकाल लेंगे साइड में एक्स प्लस थ्री वाई। तो अभी इसमें दो बार है तो एक बचेगा तो एक्स प्लस थ्री वाई, और इधर कोई भी नहीं है तो वन। अभी ये दोनों में एक्स प्लस थ्री वाई निकाल लेंगे, इसमें दो बार है तो इसका एक बचेगा, इसमें कुछ भी नहीं है तो वन आएगा, निकाल लेंगे बार। दिस इज द आंसर। और इसमें अगर इसी तरीके से मैं बताऊं तो इसमें आएगा, देख अभी दो बार है तो एक्स प्लस थ्री वाई दो बार आएगा, एक्स प्लस थ्री वाई दो बार टू बार, और एक्स प्लस थ्री वाई इधर आएगा, स्क्वायर है ना तो हमने दो बार लेंगे, तो ये दोनों कॉमन है तो इसको साइड में ले लो। तो बचा क्या? एक्स प्लस थ्री वाई, और इधर कुछ भी नहीं है तो वन। सेवनटीन सर, नाउ एटीन सर, एटीन सम, फोर ए स्क्वायर माइनस ट्वेल्व ए बी प्लस नाइन बी स्क्वायर प्लस फोर ए माइनस सिक्स बी। अभी ये जो है ये किसका स्क्वायर है? अभी ये जो ये टू ए का स्क्वायर है, ये प्लस थ्री बी का स्क्वायर है, बराबर, और ये माइनस टू इंटू टू ए इंटू थ्री बी, टू थ्री सिक्स, सिक्स टू ट्वेल्व, तो ये किसका टोटल किसका स्क्वायर है? टू ए प्लस थ्री बी होल स्क्वायर। किसका ये? टू ए प्लस थ्री बी का होल स्क्वायर। और इसमें दोनों में ये जो है इसमें दोनों में कॉमन क्या है? टू कॉमन है, किसका आएगा? टू ए माइनस थ्री बी, ये माइनस का स्क्वायर माइनस। तो अभी ये टू ए प्लस थ्री बी दो बार है तो टू ए प्लस माइनस सॉरी माइनस थ्री बी एंड टू ए माइनस थ्री बी दो बार, इधर टू ब्रैकेट में टू ए माइनस थ्री बी, बराबर। अभी ये दोनों में ये कॉमन है ये भी कॉमन है तो टू ए माइनस थ्री बी हम लोग निकाल लेंगे, तो बचेगा क्या? टू ए माइनस थ्री बी प्लस टू। दिस इज द आंसर। पहले ये स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है? टू ए माइनस थ्री बी का स्क्वायर है, इसको अलग किया, ये दोनों में से टू टू कॉमन निकाला, टू ए माइनस थ्री बी। अभी स्क्वायर है दो बार लिखना, और ये टू इसमें दोनों में कॉमन निकाल लिए तो अनकॉमन क्या? टू ए माइनस थ्री बी प्लस टू, ये अनकॉमन है। एटीन, नाउ नाइनटीन सर, नाइनटीन, टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस नाइनटी एट बी रेज टू फोर। हाँ, अब इसमें टू और इसमें बी है, इसमें बी स्क्वायर, टू बी स्क्वायर कॉमन, तो बचा क्या? टू ए इसमें ए स्क्वायर और इसके माइनस फोर्टी नाइन बी स्क्वायर, क्योंकि फोर्टी नाइन टू सा कितना आएगा? नाइनटी एट। तो अभी ये टू बी स्क्वायर, अब इसमें आएगा ये ए का स्क्वायर है और फोर्टी नाइन इसका सेवन बी का स्क्वायर है, तो स्प्लिट मेथड से क्या होगा? ए ये ए का स्क्वायर है, ए प्लस ए प्लस सेवन बी एंड ए माइनस सेवन बी, खत्म। दिस इज द सम, इट्स वेरी इजी। पहले इसमें से कॉमन निकाल लो, इसके बाद स्प्लिट मेथड करो, खत्म। नाइनटीन, नाउ ट्वेंटी एट सम, ट्वेंटी, ए स्क्वायर
minus 16 b square minus 2a minus 8b. अभी हम लोग ये जो दो लेंगे ये दो अलग अलग. अभी ए स्क्वायर माइनस 16 बी स्क्वायर, तो ये देख ये ए का स्क्वायर है और ये 16 किसका 4 बी का स्क्वायर. अभी इस पे 2 कॉमन निकालेंगे दोनों में, तो क्या आएगा a माइनस 4 प्लस 4 बी. ये माइनस का साइन माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा. इसका क्या आएगा स्प्लिट मेथड से a प्लस 4 बी एंड a माइनस 4 बी. इसमें 2 a प्लस 4 बी. अभी दोनों में ये कॉमन है ये कॉमन है, इसको कॉमन को निकालो बाहर. बचा क्या a माइनस 4 बी माइनस 2. इट्स वेरी इजी. तुम लोग को सम देख के आना चाहिए कि क्या क्या फैक्टर्स निकलेंगे. तो ये 20 है सम. नाउ हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जेसी मिस. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द 13 एफ एक्सरसाइज. हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सम हमने प्रीवियस जो एक्सरसाइज है, अभी इसमें 13 एफ में सब मिक्सचर सम है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें